क्या? हाँ, अर्जुन बाली का राजकुमार है, मेरी सगी बहन बाली की महारानी का बेटा। चंद दिनों में अर्जुन के राज्याभिषेक का समारोह है और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे और इंदुमती के साथ वहाँ चलो। मुझे यकीन है कि सफर मजेदार होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। तुम्हें मेरी कसम, भागो अर्जुन, भागो। प्रणाम राजगुरु। राजा इंद्र वर्मा, ओह, आपको देखकर मन को तसल्ली हुई। ये सब आखिर हुआ कैसे? मेरी बहन और महाराज कैसे हैं? और अर्जुन, वो सब ठीक तो है ना? अफसोस, मुझे कुछ खबर नहीं कि महाराज और महारानी किस हाल में हैं। सब इतना अचानक हो गया कि मैं भले ही बाली को इस भयानक कारण से बचा न सका, मगर उसके सबसे अनमोल रत्न को मैंने खोने न दिया। अर्जुन बच निकला। हाँ, अर्जुन। ये सारी बर्बादी बस चंद दिनों में हुई, मगर क्या सेना या सुरक्षा बल ने कुछ नहीं किया? महाराज, राजकुमार, वो भी तो नामी योद्धा हैं। अगर कोई इंसानी फौज होती तो हमारे सैनिकों के आगे दो पल न टिक पाते, मगर रगड़ा के आगे कैसी सेना और कैसा सुरक्षा। रंगड़ा, वो कौन है? एक बहुत ही भयानक मायावनी, एक डायन जिसके पास सभी काल क्रियाओं और काले जादू का ज्ञान है। वो जहाँ भी जाती है दुख, बीमारी और नाश लाती है। मैंने इस गुफा के प्रांत को रंगड़ा की काली नजर से छुपा के रखा, पता नहीं ये कब तक कायम रख पाऊं। अर्जुन, ऐसा लग रहा है राजगुरु जी कि उस बस्ती पर रंगड़ा के शैतानों ने हमला कर दिया है। तो फिर चलो, हम उन्हें रोकते हैं। अच्छा, अर्जुन किधर है? अर्जुन, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं थी, मामला मैं खुद संभाल लेता। तो चलो मुकाबला हो जाए, कौन सबसे ज्यादा लियाक मारेगा? देखते हैं किसमें कितना है दम। Yeah.
सच्चे दिल से बरों को ढूंढना राजकुमार की जिम्मेदारी है, वो मैं नहीं कर सकता। पर तुम्हारी चिंता दूर करके तुम्हारी मदद तो जरूर कर सकता हूँ। मतलब इतिहास दोहराया जाता, बहुत ही खूब। राजकुमार अपने मकसद में कामयाब हो, तुम सब परदेसी होकर भी बाली के लिए लड़ता। हमें रंगड़ा को पंचभूतों पर शक्ति पाने से पहले रोकना होगा। इसके लिए तुम्हें सही हथियार की जरूरत है। हम हथियार नहीं चुनता, यहाँ के शानदार हथियार हमें चुनता। परमवीर हथियार, आज तक इसने किसी भी योद्धा को नहीं चुना। राजू, तुम्हारा ये भाला और इसकी खूबी ये है कि ये कभी चूकता नहीं। जग्गू, अपनी पूंछ के एक झटके से तुम्हें एक लंबा लड़ने वाला पूंछ मिल जाता। चुटकी, ये अनोखी छड़ी, इसे तुम एक छोर की तरफ मोड़ो तो चाबुक। और भी तुम्हारा परमवीर हथियार, जो एक तलवार सा हल्का, गदा सा दमदार और भाले सा तेज होता। शुक्रिया सरदार डुकुन, हम महल की ओर चलते हैं। हाँ, हमारा एक और आखिरी और सबसे बेशकीमती तोहफा है। आखिरी तोहफा? ताकि तुम महल वक्त पर पहुँचता। समझ में नहीं आता, आपका शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं, कलगुंग पर्वत पर मिलेंगे हमारी सेना से।